हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में, और केराटिन ट्रीटमेंट हम घर पे ही डीआईवाई से कैसे करें। आपने नाम तो सुना होगा, केराटिन ट्रीटमेंट जो है हमारे हेयर के लिए एक प्रोटीन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, जो हमारे फ्रिजी हेयर को और डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, उसको सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है। और हमारे जो हेयर है वो जो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा गंदे से हो गए हैं, उसको एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है। तो वो एक मेन प्रोटीन बेस्ड ट्रीटमेंट है। सैलून में जाके काफ़ी एक्सपेंसिव होता है केराटिन ट्रीटमेंट, और आपकी हेयर लेंथ अगर बहुत ज़्यादा लंबी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो मैंने सोचा कि डीआईवाई से हम केराटिन ट्रीटमेंट घर पे कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ हमको इस तरीके की बी लेना है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह राजमा भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बी में काफ़ी अच्छा खासा मात्रा में प्रोटीन होता है। इस बी को नॉर्मली क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे अपने अपने शहर में अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ बोल सकते हैं। तो इस तरीके के आपको बी लेना है जो नॉर्मली आपको दिख रहा है। तो मैंने कुछ एक नॉर्मल सारा बाउल लिया है, और आप देख सकते हैं इस बी को जो है रात भर ओवरनाइट के लिए आपको भीगने के लिए, सोक करने के लिए लेना है। उसके बाद ये फूल जाएगा और आपको उसको मिक्सर ग्राइंडर में जो है ग्राइंड कर लेना है, जिस तरीके से मैंने किया है। हो सके तो अच्छा खासा फाइन पेस्ट बना लीजिए, बिल्कुल दरारे बिल्कुल ना रखिए, दरदरा बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि दरदरा रहने से आपके बारों में बहुत अच्छी तरीके से स्टिक नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो बी है या राजमा जो बी है, ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो मैंने एक खाली बाउल लिया है, और उसके बाद आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपको डालना है। आपको 2 चम्मच हो, 3 चम्मच हो, जितने भी चम्मच हो, अब डिपेंड करता है कि आपकी हेयर लेंथ कितनी है। तो मैंने ये इन्ग्रीडियंट इसलिए लिया है, और ये बी मैंने इसलिए लिए है, राजमा हो या ये भी हो, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। तो उसके बाद मैं एग लूँगी, एग का वाइट पार्ट एंड येलो पार्ट मैं दोनों भी लेने वाली हूँ, क्योंकि एग जो है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट शाइनी बनाने में बहुत मदद करता है, एक अच्छा खासा वॉल्यूम देता है। नॉर्मली अगर एग भी हम अप्लाई करते तो भी हमारे बाल जो है, हमारे जो हेयर है वो काफ़ी अच्छे मैनेजेबल हो जाते हैं, और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये एक्चुअली केराटिन ट्रीटमेंट जो है ये भी एक बहुत प्रोटीन बेस जो है ट्रीटमेंट है, और काफ़ी महंगे महंगे सैलून में काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें पैसे ना खर्चा करके आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ट लिया है। रेशियो मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे आपने 4 से 5 चम्मच लिया है तो आपको 2 चम्मच कर्ट लेना है, मैंने रेशियो बता दिया है, आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपको लेना है। उसके बाद आपको अच्छी तरह से मिला लेना है, उसके बाद आपको इसको 10 मिनट तक ढक के रख देना है। 10 मिनट जैसे भी आप हो जाएंगे, उसके बाद जो है, जैसे ही 10 मिनट हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि आप गंदे बालों पे आपको इसको अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। गंदे बालों पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो अभी वैसे भी समर चल रहा है, तो गंदे बालों में हमारे स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, गंदगी होती है, तो गंदे बालों में नहीं अप्लाई करना है। आपको अच्छी तरह से शैम्पू करना है अपने बालों पे, कंडीशनर अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपको जो है ये मास्क अप्लाई करना है, केराटिन हेयर मास्क, जिसको DIY केराटिन हेयर मास्क का मैंने नाम दिया है। और उसके बाद आपको अच्छी तरह से मैं कहूँगी कि फॉइल पेपर अगर आपके पास घर में अवेलेबल है तो उसी तरह से रैप कीजिए, छोटे छोटे सेक्शन लीजिए, उसके बाद आप रैप कर दीजिए। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो नॉर्मली जो है आप पॉलीथीन की थैली जो होती है, जो धनिया वगैरह की मिलती है, तो उसमें भी आप इसको रैप कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप एग वाइट यूज़ नहीं करना चाहते हैं या एग यूज़ नहीं करना चाहते तो आप फ्लैक्सीड जेल निकाल लीजिए। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी किस तरीके से हम फ्लैक्सीड जेल निकालते हैं, वो देख लीजिए और उसके बाद वो इसमें मिला लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप एग यूज़ नहीं करना चाहते हैं, कर्ट तो नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। मेरी इस बात को अब ध्यान में रखिए कि ये जो केराटिन ट्रीटमेंट है, जो हम इतने महंगे महंगे सैलून में जाके करते हैं और इतना एक्सपेंसिव खर्चा हम करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ऑब्वियसली आपको पार्लर जितना अच्छा रिज़ल्ट, सैलून जितना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बट जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो वाकई बहुत अच्छा होगा। आपके बाल अगर बहुत फ्रिजी है, डैमेज हो गए, उसमें एक अच्छी शाइन आएगी, वॉल्यूम आएगी, और आप देखोगे कि आप जो है अच्छी तरह से आपके जो बाल है वो सिल्की स्मूथ हो गए हैं,
क्योंकि ऑब्वियसली सलोन में हम इतना जाके पैसा खर्चा करते हैं और उसके बाद वो कुछ 2-3 महीने रहता है, उसके बाद नॉर्मल जैसे आपके हेयर हो जाते हैं वैसे। केराटिन ट्रीटमेंट थोड़ा मैं बता दूँ कि नॉर्मली कुछ नहीं होता है, वो एक प्रोटीन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और जिसकी हेयर लेंथ अच्छी खासी बड़ी है तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर पैसे नहीं है तो अफोर्ड कहाँ से करेंगे। तो मैंने घर में बहुत रिसर्च करके DIY बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है प्रोटीन बेस्ड इस्तेमाल की है, और राजमा और जो भी मैंने आप लोगों को बताया है ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है। और आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने रिजल्ट मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, आपको एक ही बार में इतने अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप हैरान हो जाओगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर लाइक एंड सपोर्ट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।